बड़ी खबर, फूलपुर से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, सांसद तेज प्रताप को फूलपुर से टिकट। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, मिर्जापुर प्रत्याशी बिंद का टिकट बदलेगा, रामचरित्र निषाद को मिल सकता है टिकट। ओम प्रकाश सिंह चंदौली से चुनाव लड़ेंगे और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश को चंदौली से टिकट। सपा ने फिर की है निषाद पार्टी में सेंधमारी। आप देखिए निषाद पार्टी के नेता सपा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से आज शाम टिकटों का ऐलान करेगी सपा। नजरें रहेंगी भारत समाचार पर, चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर ये है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सिंह जी, ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र जी, बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से निषाद पार्टी में सेंधमारी कर सकती है सपा। बिल्कुल, देखिए शाम को 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है और उसमें कई टिकटों का ऐलान होगा और कुछ नेता पार्टी में शामिल किए जाएंगे। लेकिन भारत समाचार उससे पहले सूत्रों के हवाले से ये सूचना उत्तर प्रदेश की जनता को दे रही है ये जानकारी कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह को चंदौली से टिकट दिया जा रहा है और मैनपुरी से जो सांसद है तेज प्रताप यादव, इस पर अब मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब तेज प्रताप को फूलपुर से टिकट दिया जा रहा है, वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। मिर्जापुर में जो रमेश चंद्र बिंद को टिकट था, वो टिकट समाजवादी पार्टी बदल सकती है और उनकी जगह पे रामचरित्र निषाद जो सांसद हैं उनको टिकट दे सकती है। ये बड़ी खबरें हैं इस समय की और समाजवादी पार्टी में जो लगातार हलचल है, तेज है, उस आधार पर ये परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके नामों का ऐलान कर देंगे। वीरेंद्र जी, और जिस प्रकार से खबरें हैं एक बार फिर से सेंधमारी की, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले निषाद पार्टी अखिलेश यादव के साथ थी और सांसद भी बने प्रवीण निषाद, लेकिन बाद में वो भाजपा में चले गए। तो ऐसे में गोरखपुर की जो सीट है वो प्रतिष्ठा परक है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से रहे हैं, 4 बार सांसद एमपी रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन की वो सीट फिर जीती जाए जो चुनाव में जीती गई थी, और इसके लिए निषाद पार्टी में सेंधमारी हुई है। एक बड़े नेता को आज पार्टी में शामिल कराया जाएगा 5 बजे और ये एक तरह से कहा जाए तगड़ी चुनौती गोरखपुर में जो रवि किशन प्रत्याशी है और जो भाजपा के नेतृत्व है उसके सामने इस गठबंधन पेश कर रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें भी और भी है, रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।